नमस्कार ग्रीन किचन में आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का। फ्रेंड्स मैंने बहुत तरह से पनीर टिक्का ट्राई किया है लेकिन ये परफेक्ट नहीं बन रहा। मैंने इसे तवे पे ट्राई किया, ग्रिल पे ट्राई किया, ओवन पे ट्राई किया लेकिन वो परफेक्ट बनता ही नहीं था। मैंने इसे माइक्रोवेव ओवन के रोटी स्टरिंग में ट्राई किया और ये एकदम परफेक्ट बना। तो आज मैं वो रेसिपी लेके आई हूँ। मैं माइक्रोवेव ओवन के रोटी स्टरिंग में पनीर टिक्का बना रही हूँ। तो आइए बना के खा लेते हैं पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर लिया है। तो पहले हम इसमें से बड़े क्यूब तैयार कर लेंगे। तो इसे हम बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये लीजिए हमने पनीर में से क्यूब तैयार कर लिए और कुल मिलाकर 9 क्यूब तैयार हुए हैं। अब हम इसे एक बाउल में ले लेंगे। अब ये पनीर क्यूब को हमें मैरिनेट करना है। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये अंदर से भी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मैरिनेट हो पाए। और इसी स्टेज में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और दूसरा मिक्सर तैयार करेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में तकरीबन 100 ग्राम जितना दही लेंगे। दही हमें गाढ़ा लेना है, इसमें पानी बिल्कुल ना हो इसका ध्यान रखें। अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच जितना गर्म मसाला डालेंगे, थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे, इसके डंठल हम दूर कर देंगे। वैसे तो पनीर को मैरिनेट करने के लिए हमारा मिक्सचर तैयार है लेकिन हमें इसमें और एक खास चीज डालनी है जिससे हमारे मसाले और तेल बाइंड हो जाएगा अच्छे से। तो ये है बेसन। हम इसमें बेसन भून के डालेंगे। अब हम 3 छोटी चम्मच जितना बेसन लेंगे, इसे स्लो गैस पे थोड़ा सा भून लेंगे। तो थोड़ा सा हमने बेसन भून लिया है। अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच जितना तेल डालेंगे और फिर से इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये देखिए बेसन हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे ये दही वाले मिक्सचर में डाल देंगे, मिला देंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कैप्सिकम को चौरस टुकड़ों में काट लिया है, 2 प्याज को भी चौरस टुकड़ों में काट लिया है। आप इसे ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। अब जो हमने ये पनीर तैयार किए थे इसमें ये स्लाइसेस डाल देंगे, कटा हुआ कैप्सिकम भी डाल देंगे और ये जो हमने बेसन को भून लिया था इसे भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो पनीर क्यूब है वो टूट ना जाए। तो ये देखिए हमने पनीर टिक्का के लिए पनीर, प्याज और कैप्सिकम को तैयार कर लिया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो ये लीजिए 2 घंटे हो गए हैं और हमारा पनीर मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे कुक कर लेंगे। हम इसे माइक्रोवेव ओवन के रोटीसरी में कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रोटीसरी लिया है। तो अब हम पनीर टिक्का तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम कैप्सिकम डालेंगे, इसके बाद ये प्याज, इसके बाद पनीर क्यूब डालेंगे, फिर से हम इसे रिपीट करेंगे। तो ये लीजिए हमने रोटी सदी तैयार कर लिया है। अब हम इसे कन्वेक्शन मोड में 200 डिग्री प्रीहीट करके 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो ये देखिए 15 मिनट के लिए हमने इसे कन्वेक्शन में कुक कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ग्रिल में कुक कर लेंगे। तो ये लीजिए हमने पनीर टिक्का तैयार कर लिया है और ये देखिए दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट लुक आ रहा है। देखिए ये बहुत ही अंदर से सॉफ्ट हो गए। तो लीजिए तैयार है माइक्रोवेव ओवन के रोटीसरी में बने पनीर टिक्का।